पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान ने ये बात कह दी है कि विशेष दर्जे की मांग, बिहार को विशेष दर्जा दिए जाने की मांग जारी रहेगी। ये कहीं ना कहीं खत्म नहीं हुई है। आपको बता दें कि कल चिराग पासवान पटना पहुंचे थे। पटना पहुंचने के बाद उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर पहुंचे, वहां पे तमाम कार्यक्रम उन्होंने किए। वहां की मीडिया से बातचीत करते हुए चिराग पासवान ने एक बात साफ कर दिया है कि बिहार को जो कुछ भी मिला है वो बहुत है। बिहार और बिहारवासियों के लिए केंद्र सरकार ने जितना भी सोचा है उससे बिहार का बहुत विकास होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी स्पेशल दर्जे की मांग, स्पेशल स्टेटस की मांग हमारी जारी रहेगी। चिराग ने ये कहा कि बिहार को जो कुछ भी मिला है उससे कहीं ना कहीं आर्थिक मदद हो सकती है और इस बजट में भी बिहार के लिए काफी कुछ दिया है। इस बीच अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक बड़ी बात कह दी है कि कहीं ना कहीं विशेष दर्जे की मांग जारी रहेगी। चिराग पासवान ने विशेष दर्जे की मांग को लेकर कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी हो या उनकी पार्टी हो, विपक्ष कांग्रेस की पार्टी हो, हम लोग बिहार का विकास चाहते हैं। इस बार केंद्र सरकार ने बिहार और बिहारियों की बात सुनी है, लेकिन अभी भी विशेष दर्जे की मांग जारी रहेगी और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जरूर मिलेगा। आपको बता दें कि चिराग पासवान कल पटना और अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर पहुंचे थे। वहां में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार और नीति आयोग द्वारा विशेष दर्जे की मांग को खारिज किए जाने से बिहार के सीएम नीतीश कुमार नाराज हैं। उन्होंने बताया कि ये महज एक अफवाह है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में इस वजह से नहीं आए क्योंकि उनकी तबीयत फिलहाल ठीक नहीं थी। देखिए, मोदी के हनुमान ने कहीं ना कहीं अभी बात क्लियर कर दी है कि उनसे जब पूछा गया कि सीएम नीतीश नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए, क्या सीएम नीतीश इस बात को लेकर नाराज है, तो उन्होंने ये भी कहा कि नहीं, सीएम नीतीश नाराज नहीं है, उनकी तबीयत फिलहाल ठीक नहीं चल रही। आपको बताते चले कि हम बाबा से भी इस बात की चर्चा की थी कि बाबा आखिर सीएम नीतीश क्यों नहीं पहुंचे, तो बाबा ने भी कहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, हालांकि अभी वो इस बजट से खुश है। वहीं आपको बता दें कि चिराग पासवान ने विशेष दर्जे के बदले बजट में बिहार को मिले विशेष पैकेज का जिक्र करते हुए कहा कि फिलहाल बिहार को जिस चीज की जरूरत है वो केंद्र की तरफ से दिया जा रहा है। रही बात विशेष राज्य के दर्जे की, तो वक्त की जरूरत है, सब जब इसका समय आएगा और इसकी मांग किसी न किसी तरीके से जरूर पूरी हो जाएगी, फिलहाल तो इसका कोई प्रावधान है नहीं। बिहार के विशेष दर्जे की मिलने की वजह से का जिक्र करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि विशेष दर्जे के प्रावधानों को पहले ही सरकार ने ही इस तरह का बना दिया कि किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। ऐसे में भी बिहार पर केंद्र की नजर है, हर संभव प्रयास किया जा रहा है केंद्र की तरफ से और हमारी सरकार मजबूती से सभी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं काम करेगी। चिराग पासवान ने क्लियर कर दिया है कि जो भी बिहार को मिला है वो इनफ है और अगर जब विशेष दर्जे की मांग की जरूरत होगी तो वो भी एक समय पर दिया जाएगा। देखिए, चिराग पासवान हाजीपुर पहुंचे थे और हाजीपुर में उन्होंने मीडिया से बातचीत की है। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, आप खुद चल के सुनिए। सिर्फ विवाद में ये मामला उलझा रहे और बिहार को कोई लाभ ना मिले, इसका सिर्फ नुकसान बिहार बिहारियों को होगा। अगर ये बात हम लोग आज की तारीख में समझ रहे हैं कि विपक्ष ने ऐसे प्रावधान बना दिए थे जब वो सत्ता में थे कि किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता, तो या तो इसको लेकर हम लोग सिर्फ हंगामा करते रहें और हम लोग सिर्फ राजनीति इसके ऊपर करते रहें, या फिर प्रैक्टिकल और सकारात्मक सोच के साथ हम लोग केंद्र से आग्रह करें कि वो हम लोग को स्पेशल पैकेजेस के माध्यम से बिहार के अलग अलग क्षेत्र को विकसित करने का काम करें। इस बार हम लोगों ने वही सोच जाहिर की। आने वाले दिनों में संभवतः अगर प्रावधानों में बदलाव अगर होता है तो बिहार ही नहीं, कई राज्य ऐसे हैं जो विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हैं, जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की वो डिमांड करते हैं। अगर ऐसा हुआ तो उसमें जरूर बिहार कोई मतलब नहीं है। मुझे इतना जरूर पता है कि राजनीतिक कॉरिडोर में इसके मतलब निकालने का प्रयास किया जा रहा है, पर मुख्यमंत्री जी का संभवतः स्वास्थ्य की वजह से उनका आना संभव नहीं हो पाया। पर उनकी तरफ से माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय ललन बाबू स्वयं वहाँ पर मौजूद थे और नीति आयोग की बैठक में इस बार सहयोगियों में उनको, मुझे, टीडीपी के कई सदस्यों को, टीडीपी के भी माननीय मंत्री को सदस्य के तौर पर वहाँ पर बुलाया गया था और वहाँ पर बहुत ही सहज माहौल में तमाम
प्रस्ताव वहां पर रखे गए। तो जो लोग ये कयास लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के नहीं जाने के पीछे वो लोग अपनी राजनीति को साधने की सोच रख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुख्यमंत्री जी की पार्टी का मजबूत प्रतिनिधित्व कल नीति आयोग की बैठक में। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।